फ्रेंड्स, क्या आप नहीं चाहते हैं कि जब भी आपका कॉल आए तो आपका फोन का डिस्प्ले कुछ इस प्रकार का हो जाए और आपका फोन का डिस्प्ले में कुछ इस प्रकार का एक लड़का डांस करता हुआ दिखाई दे और जिस भी व्यक्ति का कॉल आए तो उसका मोबाइल नंबर आपको यहां पर दिखाई देने लगेगा और यहां से आप कॉल को उठा सकते हैं, कॉल को कट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का एनिमेशन आप अपने फोन में लगाना चाहते हैं तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप बहुत ही आसानी से इससे भी खूबसूरत खूबसूरत एनिमेशन आप अपने फोन के स्क्रीन पर लगा सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है फ्रेंड, इससे भी बढ़िया बढ़िया एनिमेशन यदि आप लगाना चाहते हैं अपने फोन के स्क्रीन पर, आप चाहते हैं कि जब भी किसी का भी कॉल आए तो उस व्यक्ति का यहाँ पे नंबर, यहाँ पे नाम और इस प्रकार का हमारे कॉलर स्क्रीन के अंदर यानी फोन के अंदर में इस तरीके का डांस भी हो, म्यूजिक भी चले और हम अपने फोन को यहाँ से उठा सकें। तो कुछ इस प्रकार का यदि आप अपने फोन का कॉलर को लगाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को जरूर देखिए। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इसको अपने फोन में लगाने का तरीका बताने वाले हैं। तो फ्रेंड, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने फोन के स्क्रीन पर यह वाली ट्रिक को लगाएंगे। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले हमें आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ दोस्तों यहां पर सब्सक्राइब का बटन है, इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ यहां पर दोस्तों घंटी का बटन है, घंटी के बटन पर दबाकर आपको ऑल के ऊपर में क्लिक कर देना है और नीचे यहां दोस्तों कॉमेंट बॉक्स है, इस कॉमेंट बॉक्स में आना है और आपको एक कॉमेंट करना है, जो भी आपका दिल करे आप यहां पर कॉमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर कॉमेंट करना बिल्कुल ही फ्री है तो आप यहां से एक कॉमेंट जरूर करें दोस्तों, क्योंकि मैं आपके कॉमेंट को दोस्तों यहां से लाइक करता हूं और यहां से दोस्तों हार्ट देता हूं। तो इतना सा छोटा सा काम आप हमारा प्लीज कीजिएगा दोस्तों। फ्रेंड, आपको अपने फोन को कुछ इस प्रकार का बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों फोन। जी हां दोस्तों, एप्लीकेशन का नाम ही है फोन। इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा, नहीं तो प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर लीजिएगा और करने के बाद में इस एप्लीकेशन को आप ओपन कीजिएगा। जैसे ही दोस्तों एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ परमिशन को अलाउ कराएगा और आपको इस फोन में सिलेक्ट होने के लिए कहेगा, यानी कि इस एप्लीकेशन में जो फोन है, एप्लीकेशन का नाम, उसमें आपके कीबोर्ड को सिलेक्ट करने के लिए कहेगा। तो पहले आप परमिशन को अलाउ कर इसमें सिलेक्ट हो जाइएगा। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपके कॉन्टेक्स्ट में जितने भी नंबर हैं वह सारे नंबर यहाँ पर आपको शो होने लगेंगे और यहाँ पर दोस्तों एक 3 लाइन का ऑप्शन भी दिखेगा। तो इस 3 लाइन के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कॉल्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन दिखेगा, एनिमेशन, पिक्चर और डिफॉल्ट का। तो यदि आप एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो एनिमेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो नाचने वाला एनिमेशन है यहाँ पर है, यानी कि बहुत सारी एनिमेशन है, एनिमेशन की कमी नहीं है। जैसा एनिमेशन लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, लेकिन हमें तो यारो ये वाला बहुत अच्छा लगा तो मैं ये वाले को स्टार्ट करता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं कि हमारा जो फोन है कुछ इस प्रकार का होगा, यानी कि जब भी हमारे फोन पर किसी का भी कॉल आएगा तो हमारा जो फोन है कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। फोन में म्यूजिक भी बजेगा, जिस भी रिंगटोन को हम सेट रखेंगे वह रिंगटोन भी बजेगा और यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम, यहाँ नंबर और यहाँ से हम कॉल को उठा सकते हैं, ऊपर से उठा सकते हैं, नीचे से कट कर सकते हैं। यदि आप इस बटन को चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस बटन को भी चेंज कर दें तो कैसे करेंगे, तो यहां से हम बैक होते हैं और होने के बाद में सबसे पहले आपको सिलेक्ट करने लेना है कि कौन सा आपको एनिमेशन रखना है। तो मैं ये वाला सरदार जी वाला रख लेता हूं। तो यहां पे जो टिक का ऑप्शन है इसके ऊपर मैं आपको एक बार टिक कर देना है। करने के बाद में दोस्तों आपको यहां से बैक हो जाना है और आपको फिर से 3 डॉट पर आना है और एक कॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कॉल वाले पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बटन का आइकन आ गया। आप किस तरीके का बटन रखना चाहते हैं, यदि दोस्तों इस तरीके का बटन रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब फोन आए हम यहां से इस तरीके से स्वाइप करें तो कॉल उठ जाए, तो इस बटन को आप लगा सकते हैं। अगर यह बटन आपको पसंद नहीं है
कोई दूसरा बटन लगाना चाहते हैं, ऐसा बटन लगाना चाहते हैं, तो ऐसे बटन पर भी आपको क्लिक कर देना है। अब जब किसी का कॉल आएगा तो यहाँ से कॉल को उठा सकते हैं, यहाँ से कॉल को कट कर सकते हैं। तो बहुत सारे बटन इसके अंदर दिया है, आप जिस बटन को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस बटन को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, हम आप लोगों को इस वीडियो में यही जानकारी दे रहे थे। यदि आपको कोई और एनिमेशन लगाना है तो बहुत सारे एनिमेशन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, जो भी एनिमेशन आपको पसंद होगा उन एनिमेशन को आप अपने स्क्रीन पर लगा सकते हैं। और जब भी किसी का कॉल आएगा तो फ्रेंड आपका जो स्क्रीन है कुछ इस प्रकार का दिखने लगेगा, जो देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। कहीं भी आपका फोन रखा रहेगा और उसी वक्त किसी का कॉल आ जाएगा तो आपके कॉल में ये सरदार जी का डांस स्टार्ट हो जाएगा और म्यूजिक भी चलने लगेगी, कोई भी देखेगा इसका तारीफ जरूर करेगा। तो फ्रेंड, हम आप लोगों को इस वीडियो में यही जानकारी दे रहे थे। तो एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों फोन, आइकन कुछ इस प्रकार का है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों वहां से जाकर यह सारा काम आप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर ठोक कर जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।